अफगानी हकूक की खिलाफ वर्जी बंद करे। अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया जवाब दो, ऑस्ट्रेलिया जवाब दो। दोस्तों और मीडिया के दोस्तों, यहाँ पर आए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट का जो बुनियादी मकसद है वो ये है, पिछले 40 सालों से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है जिसमें तकरीबन 40 अफगान शहरियों को शहीद किया गया है। पूरी हकूक की पामालियाँ हो रही है, उस हवाले से तमाम तर कार्रवाइयाँ रोक दी जाए और ऑस्ट्रेलियाकारी चलती रहेगी। उसी तकरीबकारी की वजह से पाकिस्तान में भी अमन और सुकून का दिन हमें नसीब नहीं होना होगा। अफगानिस्तान को पुरमन बनाना होगा। जब तक हम अफगानिस्तान को पुरमन नहीं बनाएंगे उस वक्त तक इस प्रोटेस्ट का जो बुनियादी मकसद है, आपस में हम इंसानी हकूक पर काम करने वाले मुख्तलिफ दोस्त इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट आज अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस ने ज्यादती की है। इसी तरह जो दीगर नेटो फोर्सेस कार्रवाइयाँ करके ज्यादतियाँ कर रही है उसकी रोकथाम हो। बहुत ही अच्छे करीबी अजीज दोस्त मलक कदीर जो सियासी कारकुन भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, नहीं है इंटरनेशनल फोर्सेस ने यहाँ पे आके जिस नीयत से ये कार्रवाई शुरू की थी, आज 20 साल हो गए हैं, 40 साल से वैसे, लेकिन अब जो लास्ट 20 ईयर से यहाँ पे नेटो फोर्सेस बैठी हुई हैं उनका यहाँ बैठने का जवाब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त इंसानी हकूक भी असरअंदाज नहीं हो रही है। अफगानिस्तान गो के इस वक्त माशी तौर पे उस कदर मुस्तहकम नहीं है। ये फ़र्ज़ ऐन है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या नेटो फोर्सेस किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई भी करते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान, तो हमें मिलकर ये जो एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है इस एहतजाज को वसी पैमाने पर लेके जाना चाहिए। इंसानी जाने बहरहाल बहुत ही चाहिए, अगर अमरीका में या फिर दुनिया के किसी और मुल्क में जो इस वक्त नेटो फोर्सेज के साथ लड़ रहे हैं, अगर वहाँ पे इससे बहुत छोटी सी भी कोई इंसानी हजरात से भी दरख्वास्त है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म को रोकने के लिए अवामी जो मुख्तलिफ इकदामात हैं उसमें इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए कि जिन्हें वो भी इस दुनिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन और बाकी तमाम जो आलमी तंजीमें हैं उनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए।